कहते हैं इंसान हर जगह से जब मायूस हो जाता है तभी वो ईश्वर की शरण में जाता है। संजय दत्त इसी राह पर चल पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सजा की जो तलवार संजय दत्त के ऊपर लटक रही है उससे दूर जाने के लिए संजय दत्त पहुंचे मध्य प्रदेश के दतिया के पीताम्बरा सिद्ध पीठ के दर पर। 15 मिनट तक विशेष पूजा हुई, मन में सिर्फ इसी मन्नत के साथ बचा लो मां। कभी फिल्मों में खलनायक की भूमिका अदा करके संजय दत्त जमकर वाहवाही बटोरते थे, अपने रोल पर खुद फिदा भी होते होंगे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ही नायक को खलनायक बताकर सजा का ऐलान कर दिया तो रील का अभिनेता रियल में पूरी तरह से टूट गया। सजा के ऐलान के बाद जब पहली बार मीडिया से रूबरू हुए तो दिल का दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर छलक पड़ा। मुश्किल की घड़ी बड़ी है और वो कहते हैं ना कि जब दवा काम ना आए तो फिर दुआ की दरकार पड़ती है। अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए संजय दत्त के पास वक्त भी बहुत कम है, लेकिन ईश्वर के सामने प्रार्थना भी जरूरी है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के दतिया जिले में संजय दत्त पहुंचे शक्तिपीठ देवी माँ के दर पर। दतिया में पीताम्बरा पीठ का बड़ा ही सिद्ध मंदिर है जहां संजय दत्त ने दोपहर में संकल्प पूजा की। पीताम्बर पीठ में गुप्त पूजा होती है और कहा जा रहा है कि संजय दत्त के लिए पिछले कुछ दिनों से शक्ति पीठ पर पूजा चल रही थी जिसके पूर्ण होने पर उन्होंने देवी के दर पर शीश झुकाकर संकल्प लिया। मौका भक्ति आस्था और विश्वास का था, लिहाजा लिबास में भी सादगी दिखाई दे रही थी। सफेद धोती कुर्ते में उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और महंत से कहा कि वे लोग हमारी सजा की माफी के लिए माँ से दुआ करें और अगर उन्हें माफी मिलती है तो वो दोबारा माँ की शरण में आएंगे, मत्था टेक कर शुक्रिया अदा कर लें। उन्होंने पीताम्बरा पीठ पर आके पूजा अर्चना की और उन्होंने उनका संकल्प था कि हम जो विवादों में जो हैं अगर उनसे मुक्त हो जाएंगे तो 19 तारीख को जो उनकी तारीख जो बताई गई है उसके बाद वो दोबारा फिर पुनः इधर आने का उन्होंने कहा है, तो वो यहाँ के दोबारा माई के चरणों में दर्शन करने के लिए आएंगे। संजय दत्त विशेष विमान से पहले गुना के हवाई अड्डे पर पहुंचे, मीडिया से दूरी बनाए रखी और सड़क मार्ग से सफेद SUV में सवार होकर दतिया की ओर रवाना हो गए। पीताम्बरा पीठ में संजय दत्त अपने बहनोई कुमार गौरव के साथ पहुंचे थे। शक्ति पीठ में उन्होंने करीब 15 मिनट तक मां के सामने प्रार्थना की। उनकी याचना और संकल्प को देवी मां तक पहुंचाने के लिए मंदिर के 4 पंडितों ने पूजा की। इनमें शक्ति पीठ के 2 धर्माचार्य भी शामिल थे। संजय दत्त की तरह की पूजा कराने वाले पुजारियों को भी मां की शक्ति में पूरा यकीन है और यकीन ये भी है कि देवी संजय की फरियाद जरूर सुनेगी। माई से आशीर्वाद मांगा, माई की पूजा की उनने और माई से यही मांगा कि हम उस कारावास से मुक्त हो जाएं, और ये भी कहा उनने पंडितों से कहा माई से के सामने निवेदन किया कि यदि मैं कारावास से मुक्त होता हूँ तो दतिया में दोबारा माई के मंदिर में फिर आऊंगा। 19 अप्रैल को संजय की सजा पर माफी की सुनवाई है, गिनती भर की तारीख बची है, लेकिन संजय दत्त और उनके शुभचिंतकों को भरोसा है कि दुआ जरूर रंग लाएगी। गुना से राकेश के साथ अमित श्रीवास्तव, दतिया आज तक। शायद आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिरकार संजय दत्त ने दतिया के सिद्ध पीठ का रुख कैसे किया। इसका जवाब छिपा है पीताम्बरा पीठ की खासियत में। मान्यता यह है कि पीताम्बरा पीठ में एक ऐसी गुप्त पूजा की जाती है जो भारत के किसी भी दूसरे सिद्ध पीठ में नहीं होती, और सच्चे मन से पहुंचा भक्त कभी निराश नहीं होता। शायद यही वजह है कि पीठ के पुजारी भी ये मान रहे हैं कि माँ संजय दत्त को जरूर बचा लेंगी। शायद मुश्किल की घड़ी में दुआओं, भक्ति और प्रार्थना में किसी का भी यकीन इतना ही बढ़ जाता है जितना संजय दत्त का। विशेष विमान से संजय दत्त पहले गुना पहुंचे और फिर दतिया के पीताम्बरा शक्तिपीठ। चकाचौंध वाली मायानगरी मुंबई से मध्य प्रदेश का दतिया जिला सैकड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन कहते हैं कि दतिया के पीताम्बरा सिद्धपीठ में जो भी मन्नत मांगता है वो देवी माँ जरूर पूरी करती हैं। शायद यही विश्वास 3.5 साल की सजा काटने की दहलीज पर खड़े संजय दत्त को पीताम्बरा पीठ के दर तक खींच लाया। पीताम्बरा पीठ में शक्ति की देवी का वास है, लिहाजा यहाँ तांत्रिक पूजा के जरिए भी भक्त अपनी प्रार्थना को देवी तक पहुँचाते हैं।
आखिर मंदिर की मान्यता यूं ही इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ क्या है, तांत्रिक पूजा होती है जो कि संजय दत्त ने, यहाँ तो माई की इतनी कृपा है कि माई के दर्शन से ही सारे संकट टल जाते हैं, और यही होगा संजय दत्त जी के साथ भी, आप देखना उनका, माई सुन लेंगे उनके लिए। दतिया का ये पीताम्बरा पीठ गुप्त पूजा के लिए मशहूर है, और गुप्त पूजा के लिए भारत का ये शायद इकलौता सिद्धपीठ भी। इन अनोखे सिद्धपीठ में धूमावती माई और पीताम्बरा माई की मूर्ति है। पीताम्बरा पीठ की स्थापना भी आजादी से पहले 1935 में हुई थी। कहते हैं कि इसकी स्थापना करने वाले गुरु ने अपने तप और शक्ति के बल पर इस स्थान को पीठ के लिए मान्यता दिलाई। पीताम्बरा माई को राजसत्ता की देवी भी कहा जाता है। यही वजह है कि पूरे देश से राजनेता आते हैं और राजसत्ता में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए गुप्त पूजा कराते हैं। मंदिर में ही रजत षड्यंत्र स्थापित है। संजय दत्त ने विशेष अनुष्ठान के जरिए सिद्ध पीठ में देवी माँ के सामने अपनी अर्जी डाल दी है। उन्हें भी पूरा यकीन है कि उनकी प्रार्थना को पीताम्बरा पीठ की माँ जरूर स्वीकार करेंगी। गुना से राकेश के साथ अमित श्रीवास्तव, दतिया आज तक। संजय दत्त की सजा पर माफी की अपील के बाद क्या फैसला होगा, फिलहाल ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के राज्यपाल ने 60 ऐसी अर्जियों को राज्य के गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है जिसमें संजय दत्त के लिए माफी और सजा दोनों की ही मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही संजय दत्त को 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया और 3.5 साल जेल की सजा सुनाई, सियासत और बॉलीवुड के दिग्गजों की एक पूरी फौज तैयार हो गई फिल्मी पर्दे के इस सुपरस्टार को राहत दिलाने की अपील के साथ। संजय दत्त के पास सरेंडर करने के लिए अब सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले उनकी सजा माफी को लेकर तमाम लोगों की कोशिशें परवान पर हैं। सबसे पहले संजय दत्त के समर्थन में आवाज उठाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष मार्कंडेय काटजू ने। संविधान की कई धाराओं का हवाला देकर जस्टिस काटजू ने संजय दत्त की रिहाई का रास्ता तक बता दिया। मैं समझता हूँ संजय दत्त माफी के योग्य है। धारा 72 और धारा 161 संविधान का पढ़े, उसमें ये नहीं लिखा है कि कौन अपील कर सकता है। धारा 72 प्रेसिडेंट को पावर देता है पार्डन का, और धारा 161 संविधान का गवर्नर को देता है। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर कैन पार्डन और रिड्यूस सेंटेंस, किसके अपील पे ये नहीं लिखा। इस मामले में ताजा खबर ये है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के शंकर नारायणन ने संजय दत्त से जुड़ी 60 अर्जियों को राज्य के गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। इनमें से 35 अर्जियां ऐसी हैं जो संजय दत्त की सजा माफी के पक्ष में हैं, लेकिन 25 अर्जियां ऐसी भी हैं जो संजय दत्त को माफी दिए जाने के पूरी तरह से खिलाफ हैं। 4 अप्रैल को राज्यपाल के सचिव ने महाराष्ट्र सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव को सभी प्रतिनिधियों की राज्यपाल को सौंपी हुई सभी अर्जी की कॉपी भेज दी। संजय दत्त के समर्थकों की फेहरिस्त लंबी चौड़ी है, लेकिन इसी समाज का एक तबका ऐसा भी है जो सीधे सीधे संजय दत्त के लिए सजा पूरी करने की मांग कर रहा है। हमारा खिलाफत था कि जब जस्टिस काटजू इस तरह का लेटर लिखेंगे तो गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंटली फ्री वे में इसमें डिसीजन नहीं दे पाएंगे, और संजय दत्त सेलिब्रिटी है और शायद इसी वजह से उनके लिए लोग माफी मांग रहे हैं, जबकि जैसे जैबुनिसा है, और अगर आप एक को दे रहे हैं तो आपको सबको देना पड़ेगा। संजय दत्त को लेकर कश्मकश बरकरार है, सजा का मामला सरकार और संविधान के बीच पहुंच चुका है, इंतजार बस इसी बात का है कि आखिर क्या होगा संजय दत्त का। मुंबई से मुनीश चंद्र पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे संजय दत्त और सरेंडर के बीच वक्त का फासला बस कुछ ही दिनों का बचा है। चंद दिनों की मोहलत में संजय दत्त पर जिम्मेदारी बड़ी है, और बॉलीवुड का अरबों रुपया भी इस अभिनेता के ऊपर फंसा हुआ है। परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए भी वक्त बहुत कम बचा है। अहम सवाल यही पैदा हो रहा है कि आखिर अगले 2 हफ्ते में संजय दत्त क्या क्या कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट की सजा के बाद अब संजय दत्त के पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है। अब उन्हें सरेंडर करना होगा और जेल की सलाखों के पीछे भी जाना होगा। ऐसे में एक एक पल की कीमत संजय दत्त के लिहाज से समझी जा सकती है। दिन कम बचे हैं और संजय दत्त के सिर पर है सैकड़ों करोड़ का बोझ बॉलीवुड के 250 करोड़ रुपए का, क्योंकि उन फिल्मों पर खतरा मंडराने लगा है जिनमें संजय दत्त के हिस्से की शूटिंग अभी भी बाकी है। संजय दत्त को भी अपनी साख और अहमियत की चिंता है।
शायद ही वजह है कि सजा के ऐलान के बाद मीडिया के सामने पहली बार आने के बाद वो फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग के लिए रवाना हो गए। इसके अलावा भी संजय दत्त के पास राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके, धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म उंगली, विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म मुन्ना भाई चले दिल्ली की शूटिंग बाकी है। इसके अलावा अपूर्व लाखिया की जंजीर के रीमेक की शूटिंग तो पूरी हो गई है, लेकिन डबिंग का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि फिल्म घनचक्कर से पहले ही उनका पत्ता साफ हो चुका है। वैसे संजय दत्त लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दो हफ्ते में ही वो 3.5 साल को समेट लें। यही वजह है कि वो बची हुई फिल्मों की शूटिंग खत्म करते ही सीधे घर की तरफ रुख करते हैं। दोस्तों, तमाम फैंस और शुभचिंतकों से भी कम ही मिलते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपनी पत्नी, बच्चे और बहनों को दे सकें। खबर है कि उनकी बड़ी बेटी त्रिशला भी अपने पिता के साथ वक्त बिताने के लिए हिंदुस्तान पहुंच रही हैं। लेकिन इन सब के बीच संजय दुआ के लिए भी वक्त निकाल रहे हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ऊपर वाला ही उन पर रहम कर दें। करण जौहर की प्रोडक्शन की फिल्म से लेकर राजू हिरानी की फिल्म तक, जंजीर फिल्म के रीमेक में रोल से लेकर पुलिसगिरी फिल्म में लीड रोल तक, संजय दत्त के पास तमाम फिल्म्स हैं, मगर इन फिल्मों को खत्म करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अब आलम यह है कि फिल्म घनचक्कर से उनके कैमियो को हटा दिया गया है, फिल्म उंगली में उनके रोल को हटा देने की बात चल रही है। जितना भी वक्त उनके पास बचा है वो फिल्म की शूटिंग में बिता रहे हैं, और ये जरूरी भी है क्योंकि इन फिल्मों पर करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक। मोदी को सोनिया ने एक बार मौत का सौदागर कहा, उसके बाद पहली बार कांग्रेस ने गुजरात के मुख्यमंत्री पर एक और बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने इशारों में मोदी की तुलना यमराज से कर दी। मोदी ने कल संकेत दिए थे कि अब उनका मिशन दिल्ली की कुर्सी है, और आज कांग्रेस ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि देश भर में 2002 की घटना फिर से हो जाए। देखिए, राहुल जी का मतलब है कि कोई एक आदमी इस देश का भविष्य नहीं बदल सकता, और अगर राहुल जी का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ होता, उन्होंने कहा कि घोड़े पर बैठकर, तो वो कोई भी, कोई मसीहा आए और आप समझे कि मसीहा सारे हालात बदल देगा, ऐसा मुमकिन नहीं। हम सबको मिलके ही हालात बदलना होगा। नरेंद्र मोदी जी की तरफ अगर इशारा करना होता तो वो घोड़े पे नहीं कहते, भैंसे पर कहते, बुल पे कहते। अब ये मैं नहीं जानता बुल किसकी सवारी होती है। देखिए, मुझे गुजरात के मुख्यमंत्री के बयानों पर कभी कभी बहुत चिंता होती है, और चिंता इस बात की कि शायद भारत में या भारत के बाकी हिस्सों में उनकी वही करने की मंशा ना हो जो उन्होंने गुजरात में 2002 में किया था। कांग्रेस के इन हमलों से बीजेपी इतना तिलमिलाई कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पार्टी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने तो राहुल को पादरी और सोनिया गांधी को रानी मक्खी तक कह डाला। कांग्रेस पार्टी के हताश निराश चाटुकारों और चंपुओं ने जो श्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, उससे एक बात साफ हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अपने करप्शन के कंकाल की माला को पहन करके अपनी विदाई का बैंड बाजा बजा रही है। नरेंद्र मोदी जी की घबराहट और भारतीय जनता पार्टी से भय कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कांग्रेस पार्टी के सरकार के मंत्रियों की आंखों में साफ देखा जा रहा है। एक ही परिवार ने पूरे देश में जो है वो आज तक सब कुछ किया है, अब इनको समझ में आ रहा है कि अकेला इंसान, तो ये घबराहट है और ये मोदी फोबिया है। मक्खी का छत्ता बताया देश के लिए, तो क्या सोनिया गांधी रानी मक्खी है क्या? सवाल ये उठता है कि क्या 2014 तक इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अब राजनीतिज्ञ करते रहेंगे और यही जबानी तीर जनता को भी सुनने पड़ेंगे। बहरहाल, रुख मुंबई का करते हैं, जहां एक इमारत ने 44 जाने ले ली है। शवों का निकलना अभी भी जारी है। अवैध निर्माण की वजह से आज मुमरा में मातम पसरा हुआ है। बड़ी बात तो यह है कि अवैध इमारत एक नहीं है बल्कि सैकड़ों है, यानी कि न जाने कितने और लोगों की जान खतरे में है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी कह रहे हैं कि 88,000 लोग इसी तरह की खतरनाक इमारतों में रह रहे हैं।
थाने के मुंब्रा में हर कोई रो रहा है, सिसक रहा है, तड़प रहा है। सबकी निगाहें, सबकी जान इस मलबे में अटकी है। कोई किस्मत से बच गया तो वो जख्मों से बिलबिला रहा है, तो कईयों के लिए कब्रिस्तान बन गया है इमारत का ये मलबा। गुरुवार की शाम जो हुआ वो बेहद दर्दनाक था। मौत के इस इमारत को रातों रात खड़ा कर दिया गया था। उस वक्त पता नहीं यहाँ कौन कौन पहुंचा था, लेकिन जब यह कब्रिस्तान बनी तो सफेद पोश नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं। प्रशासन का पूरा महकमा यहाँ डेरा जमाए हुए है। मुंब्रा के पास शील फाटा इलाके के लकी कंपाउंड में बनी 8 मंजिली इमारत कुछ ही सेकंड में भरभरा कर गिर गई। गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे इमारत गिरी और मरने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। कहा यह भी जा रहा है कि इस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर ट्यूशन क्लास भी चल रही। मुंब्रा में चारों तरफ चीख पुकार मची है, अस्पतालों में घायलों का आना जारी है। अब आंसू दर्द बन चुके हैं और दर्द कलेजा चाक कर रहा है। समीर दीक्षित और विकास मिश्रा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।